18 प्लस के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए हैं। ये सवाल झुंझुनू के सरपंचों ने खड़े किए हैं, जिसके बाद उन्होंने इसमें सुझाव देते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। तोगड़ा कला सरपंच निशा कुमारी तथा युवा नेता जयंत मुंड के नेतृत्व में आज सरपंचों का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला, जिसमें उन्होंने बताया कि फिलहाल 18 प्लस की वैक्सीनेशन के लिए रात को आधे घंटे के लिए स्लॉट आवंटन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें दूसरे गांव में लगे कैंप के लिए भी दूर के क्षेत्र के युवा अपना स्लॉट बुक करवा रहे हैं। जिसे जिस गांव में कैंप लग रहा है वहां के युवा तो वंचित रह जाते हैं और दूसरे क्षेत्रों की भीड़ मौके पर जमा हो जाती है। इससे न केवल गाँव के युवाओं को निराश हाथ लगती है, बल्कि भीड़ से कोरोना संक्रमण होने की भी संभावना रहती है। इसलिए स्लॉट बुकिंग को या तो बंद किया जाए या फिर जिस गांव में कैंप लग रहा है उसी जगह के युवाओं के लिए स्लॉट बुक किए जाएं, ताकि व्यवस्था न बिगड़े। आपको बता दें कि रोजाना इस तरह की खबरें भी आ रही है कि जिस गाँव में कैंप लग रहा है वहाँ पर दूसरी जगह से आने वाले लोगों के साथ लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, सभी सरपंच, तो सभी सरपंच ने आके जो सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं वो सभी पधार रहे हैं यहाँ पे, ताकि वो सभी सरपंच उसी में कलेक्ट हो जाएंगे। मेन मुद्दा यही है कि जो टीकाकरण हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा, वो प्रक्रिया सही नहीं है। जो 45 प्लस और 60 प्लस के लिए जो प्रक्रिया हो रही थी वो पहले वाली सही थी, क्योंकि गाँव में सबके पास एंड्रॉयड फोन्स नहीं होते हैं, यही कोई 40% के पास होते हैं, जिसमें 20% को ही चलाना आता है ढंग से। तो हम सबके सामने ये मुद्दा बार बार आ रहा है, क्योंकि गांव वाले बोल रहे हैं कि हमें बुक करके दो, बुक करके दो, और बुकिंग के टाइम स्लॉट बुक नहीं होता है, क्योंकि गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। तो मेरा कलेक्टर साहब से यही अनुरोध होगा कि आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि गांव में पंचायत के बेस पे दे, ना कि समिति के बेस पे दे। टीकाकरण जो है या तो ऑफलाइन करो, अगर ऑफलाइन नहीं करते हो तो जैसे हम पहले कर रहे थे कि हम जा रहे थे TFC पे और वहाँ पे बुक हो रहा था, उसी टाइम टीकाकरण हो रहा, तो कलेक्टर साहब इस पे ध्यान दें। और इसके लिए हम पहले ज्ञापन भी दे चुके हैं, तो अभी तक थोड़ा बहुत कुछ हुआ है। तो ये है कि एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जाना पड़े, मेन मुद्दा यही रहे कि एक गांव से दूसरे गांव में ना जाके अपनी पंचायत या PHC केंद्र में जो भी गांव आते हैं वहीं टीके लगे, बाहर से कोई नहीं है, जिससे क्या है संक्रमण फैलेगा नहीं और गाँव में ये रोज जो केसेस आ रहे हैं ये नहीं आएंगे। ये जो टीकाकरण का जो मामला चल रहा है इसको लेके ग्राम पंचायत स्तरों के ऊपर बड़ा रोष हो रखा है, और जितने भी जो प्रतिनिधि हैं सरपंच गण हैं उनको आम जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। समस्या ये है कि जो 18 प्लस का जो टीकाकरण है ये पूरा ऑनलाइन हो रहा है, इसके अंदर जो बाहरी जो गाँव के और शहरों के जो लोग हैं वो इसको बुकिंग करवा लेते हैं। गाँव में जो नेटवर्क का बड़ा इश्यू है, इसके साथ में लोगों को एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह भी हैंडल नहीं करना आ रहा, इसकी वजह से गांव के जो मेन मुखिया हैं उनके ऊपर दबाव है पूरा का पूरा, और बाहर के लोगों की वजह से गांव में कोरोना जो कंटेनमेंट जोन बन रखा है, कोरोना फैलने का खतरा है। इसको लेके बार बार नवलगढ़ से सरपंचों ने, केतड़ी के एलसी सर के कई सरपंचों ने इसको लेके CM के नाम पे भी ज्ञापन दिया था, कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया, और उनको बार बार निवेदन करें कि हमारे गाँव में बड़ी स्थिति विकट हो रखी है बाहर के गाँव के जो लोगों के आने की वजह से, लेकिन बार बार प्रशासन इसकी सुनवाई नहीं कर रहा। 3-4 दिन पहले राणासर गांव में, तोगड़ा गांव के अंदर, नुआ के अंदर, इसके साथ में कल बिंजूसर में बड़ा गांव में, उदयपुरवाटी में बड़ा इश्यू हो रहा है, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है कि सरपंचों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा, बाकी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करा। इसलिए सरकार से हमारा अनुरोध है, यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि इस व्यवस्था को जो पहले जो व्यवस्था थी वैसे व्यवस्था की जाए, पूरे सरपंचगण और जितने प्रतिनिधि हैं इसके अंदर सरकार की मदद करने को तैयार है,